एक बार ख्याल करना, जो मिला है वो ज्यादा है या जो नहीं मिला है वो ज्यादा है, ध्यान रखना। कभी एक बार विचार करना, जीवन में समाधान ही समाधान मिल जाएंगे। अरे जो मिला है वो ज्यादा है, वो जो नहीं मिला है बहुत कम है। अरे कम के लिए ज्यादा का सत्यानाश क्यों करते हो? हैं, चार छह चीजों के लिए जो मिला है उसको अपने हाथों से क्यों जाने देते हो? एक बात विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है, मिला ज्यादा है, जो नहीं मिला वो बहुत कम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मिले के लिए मिलों का जीवन बर्बाद कर दिया। कर क्या नहीं मिला? सब कुछ तो तुमको मिला है। एक बात बताओ, आपके पास क्या आंखें नहीं है? मिला ज्यादा या नहीं मिला ज्यादा? मिला ज्यादा है ना, उसका सुख क्यों नहीं भोगते हो? आपके पास दो आंखें हैं ना, दुनिया देख रहे हो। वरना ऐसे लोग हैं जो बिना देखे दुनिया से विदा हो जाया करते थे, करते हैं। आपके पास कान है, मिला ज्यादा है ना? आपके पास नाक है, मिला ज्यादा है? दो हाथ हैं, पैर हैं, मिला ज्यादा है? और तो और सोचो, ये दिमाग मिला है, नहीं तो किसी पागल खाने में पड़े होते। बोलो, खोया ज्यादा या मिला ज्यादा? मिला ज्यादा। एक मकान है, एक बच्चा है, परिवार है, दो चार रिश्तेदार होंगे, सुख दुख शेयर कर सकते हो, एक आध दोस्त होगा तुम्हारी जिंदगी में। क्या नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? दो चार चीजें नहीं है, पूरी जिंदगी को दुखी बना लेते हो, ध्यान रखना। दो चार के लिए दुखी मत हो, जो तुम्हारे पास है उसमें आनंदित रहो, और जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। ये मेरे प्रवचन का सार हुआ करता है, ध्यान रखना। जो है उसमें आनंद क्यों नहीं मनाते हो? ज्यादा को नजरअंदाज कर देना कम के लिए, ये जिंदगी का बहुत गहरा मजाक है अपने आप के साथ, ध्यान रखना। ज्यादा फेंक देना कम के लिए, वाहरे इंसान घी बेच के तेल खरीदना चाहता है, पागल हो गया है क्या? ध्यान रखिए, मान्य सब है तुम्हारे पास। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बड़ी मजेदार कहानी थी, सुनाओ। नहीं, दूसरों की सुनने में बड़ी मजा आता है। एक कहानी पढ़ी थी मैंने बचपन में, एक संत थे, वो अपनी कुटिया में स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय करते करते उनके सिर पर दो गरम गरम आंसू गिरे। संत ने ऊपर देखा, एक कौआ रो रहा था। संत ने पूछा, कागराज क्यों रोते हो? कौए ने कहा, तुम क्या करोगे मेरा रोना सुन के? कुछ कर सकते हो मेरी हेल्प? संत ने कहा कि मुझसे बनेगा तो जरूर करूंगा, तुम्हारे रोने का कारण क्या? बोले, देखो ना संत जी, मेरा जन्म हुआ है धरती पर, लेकिन ये मुझे कोई रूप दिया भगवान ने, काला कौआ है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। जिस घर में जाके बैठता हूं तो लोग कंकड़ मार के उड़ा देते हैं। मेरा कर्कश शब्द किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो संत ने कहा, क्या हुआ? बोले, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख है, काला रंग, कर्कश आवाज, मेरी इज्जत ही नहीं इस धरती पर, और कभी जब इस श्राद्ध पक्ष में इज्जत होती है तो जूठा दाना आना खिला के मुझे खुश कर दिया करते हैं। साल में एक बार ही मेरी पूछ परख होती है, आने वाला है ना श्राद्ध पक्ष, महाराष्ट्र में होता नहीं मुझे नहीं मालूम। खिलाते हैं ना कौए को, बाप मानते जीते, बाप को बाप नहीं माना, कौए को बाप मानते हैं बैठकर, बाहरी आदमी की खोपड़ी, और ये कल्पना करते कि मेरा बाप कौए ही बना होगा। तू बद्दुआ दे रहा कि दुआ दे रहा है बाप को, ध्यान रखना। बोले, श्राद्ध पक्ष में मेरी पूछ परख होती है, बाकी मुझे कोई पसंद नहीं करता है। किसी के घर के दरवाजे पे जाके बैठ जाओ तो लोग कंकर मार के मुझे भगा देते हैं। संत ने कहा, क्या करना है? बोले, तुम कुछ कर सकते हो? बोले, हाँ। तो संत से कहा कौवे ने, मुझे हंस बना सकते हो? हंस कितना गोरा होता है, कितना खूबसूरत होता है, वियतनाम का मार्बल जैसा सफेद होता है। संत ने कहा, तुझे हंस बनना है? बोले, हाँ। तो संत ने कहा, चल मेरे साथ।
तुझे हंस से मिला देता हूं। हंस के पास कौए को ले गया। संत ने कहा ये हंस है, थोड़ा इससे पूछ ले बनने से पहले। हंस से पूछा, और हंसराज मान सरोवर के हंस, सारी दुनिया तुम्हें देख करके प्रसन्न चित्त हो जाती है, कितना धवल रंग है, दूध जैसा धवल रंग तुम्हारा, कितने सुंदर लगते हो जब आकाश में उड़ा करते हो, मोती खाते हो, बड़ी आराम से जिंदगी चल रही होगी तुम्हारी, बड़ा तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। हंस ने बोला, कौन बोला रे है? कौन बोला रे? कौआ बोला, मैं बोल रहा हूं। बोले, पागल कहीं का, ये कोई रंग है मेरा विधवाओं जैसा? अरे अरे, सफेद रंग से हंस परेशान है, ये सफेद रंग मुझे दिया है। बचपन रहो तो वैसे ही, बुढ़ापा रहो तो वैसे ही। मैं मालूम है कौए पागल, मैं सबसे ज्यादा अपने रंग से परेशान हूं, ये सफेद रंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो ना दुनिया कितनी रंग बिरंगी है, और मुझे ऐसा रूप दे दिया भगवान ने। संत ने कौए की तरफ देखा, देख गोरे गोरे को मर रहा है ना, और गोरा कह रहा मैं अपने रंग से। संत हंस ने कहा, संत जी कुछ कर सकते हो मेरे साथ? बोले, हाँ कर सकता हूं। बोले, काम करो। बोले, क्या? बोले, मुझे तोता बना दो। तोता कितना सुंदर लगता है, हरे रंग का होता है, लाल लाल चोंच होती है, तीखा खाता है, मीठा बोलता है, मिट्ठू 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 करते रहता है, मनुष्यों जैसी आवाज निकाल लेता है, ये मेरा सफेद रंग क्या करता है? कुछ नहीं करता है, मुझे तोता बना दो। संत ने कहा, हंस चल मेरे साथ, तोते से मिल लेते हैं। हंस गया, कौआ गया, संत गया, तोता बैठा टे 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 कर रहा है, राम राम जप रहा है, मनुष्य की आवाज बोल रहा है। उसने कहा, आओ पधारो पधारो, स्वागत है स्वागत है। तोते भाई बड़े खुश दिख रहे हो, क्या करूं संत जी, मैं खुश ना रहूं तो जीऊं कैसे? बोले, तुझे कोई समस्या है क्या? समस्या तो बहुत है संत जी। बोले, क्या समस्या है? बोले, मेरा ये हरा रंग। अरे, कौए की तरफ देखा संत ने, हंस की तरफ देखा। हंस कह रहा है कि तोता बना दो, तोता कह रहा मैं अपने रंग से परेशान हूं। बोले, क्या? बोले, इसलिए परेशान हूं कि पेड़ पर बैठ जाऊं तो दिखते ही नहीं हूं, मैं तो छिप जाता हूं पत्तों में, ये लाल चोंच ना हो तो लोग मुझे पहचानेंगे भी नहीं, मैं अपनी कोई पहचान नहीं बना सका इस दुनिया में। अरे बोले, तू मीठा बोलता है, तू मनुष्य की, अरे आवाज मावाज छोड़, रूप रंग तो अच्छा मिलना चाहिए ना अपने जीवन में। क्या भगवान, मैं तो भगवान को बद्दुआएं देता हूं, मुझे हरा रंग क्यों प्रदान करा दिया है? हरा हरावे लाल जितावे, मुझे हरे रंग से मुक्ति दिलाओ, अरे हरे रंग से मुक्ति दिलाओ। बोले, हाँ संत जी, एक काम करो, मेरा रंग बदल दो। अरे रंग क्या क्या चाहता है? बोले, मुझे मोर बना दो। क्या चमक चमक नाचता है मोर, कैसे घटाओं को देख करके पंख फैलाया करता है, सारी दुनिया को आकर्षित कर लिया करता है, क्या सतरंगी पंख हुआ करते हैं उसको, मोर जैसा सौंदर्य दुनिया में किसी के पास नहीं। संत जी एक काम करो, दर्शन दिए हैं आपने, मुझे मोर बना दो, प्लीज मुझे मोर बना दीजिए। संत ने कहा, चल मोर के पास। चारों गए मोर के पास। मोर महाराज क्या है, ध्यान रखना, इतना सुंदर मोर। तोते ने कहा, मोर भाई बड़ी किस्मत पाई तुमने, बड़ी तकदीर पाई है तुमने, बड़ा सौभाग्य पाया है, कितना सुंदर रूप बनाया है भगवान ने तुम्हारा। मोर बोला, किसने बोला? किसने बोला कि मैं खुश हूं? अरे तोता बोला, तू अपने रंग से सुंदरता से खुश नहीं होता है? बादल देखे छुम छुम नाचे अलवेला मस्ताना, तू खुश नहीं है? बोले, मालूम है मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ये पंख है, पंख दुख है। बोले, इन पंखों के कारण लोग मुझे मारते हैं, मैं सुरक्षित नहीं हूं, लोग मेरी हत्या कर देते हैं, लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैं कहीं भी सुरक्षा से नहीं जी सकता हूं, ये भारी भारी पंख
मुझे आकाश में उड़ने नहीं देते हैं। देखा नहीं, एक चील कैसे आकाश में उड़ा करती है, एक कौवा कैसे आकाश में उड़ा करता है, एक हंस कैसी उड़ान भरता है। मेरा दुख है ये पंख मुझे उड़ने नहीं दिया करते। मैं बहुत दुखी हूं इन पंखों से। संत से कहा, संत जी कुछ कर सकते हो? संत ने कहा, बोलो। बोले, मालूम है मुझे मोर से मुक्ति दिला दो। मोर से मुक्ति इतना सुंदर है। बोले, कोई सुंदर नहीं है, इस सुंदरता का मैं क्या करूं? मैं आकाश में उड़ना चाहता हूं लेकिन उड़ नहीं सकता हूं। तो बोले, तुझे क्या बनना है? बोले, मुझे कौवा बना दे। ध्यान रखना, कौवे की तरफ संत ने देखा। कौवा कह रहा है हंस बना, हंस कह रहा तोता बना, तोता कह रहा मोर बना, मोर कह रहा मुझे कौवा। ने कहा, क्यों रे पागल, कौवा क्यों बनना? अरे तेरी जिंदगी मस्त है यार। बोले, क्यों? बोले, लोग तुझे प्यार नहीं करते तो मारते भी तो नहीं है ना, तेरे पीछे भी तो नहीं पड़े, तुझे परेशान भी तो नहीं करते है ना, तेरी जिंदगी बहुत अच्छी, क्या कहना कौवे तेरी किस्मत। संत ने कहा, क्यों रे कौवे, तू रो रहा था ना वहां बैठकर, पागल हो गया है क्या? जा, अपने आप में होना सीख ले, तेरे जीवन में आनंद ही आनंद बदल जाएगा। अरे तू जैसा है वैसा रहे पागल। अरे यार, जो भगवान ने दिया है उसमें मौज करना सीख ले। दूसरों को देखेगा तो समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा हूं औरंगाबाद वालों, उस तोते को तो वो संत मिले थे, तुमको तो अभी पुलक सागर समझा रहा है। ध्यान रखना, जो तुम्हारे पास है उसमें होना सीख जाओ। तुम्हारा जैसा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। अरे जैसे तुम हो, अपने आप में तुमसे सुंदर दुनिया में कोई दूसरा नहीं। तुम्हारे जैसा कोई है क्या? महावीर के बाद कोई महावीर नहीं आया, राम के बाद कोई राम पैदा नहीं हुए, कृष्ण के बाद कोई दूसरा कृष्ण नहीं हुआ, शांति सागर के बाद कोई दूसरे शांति सागर नहीं आ सके, और विवेकानंद के बाद कोई विवेकानंद पैदा नहीं हो सका। ध्यान रखना, जो जो पैदा हुए वे अपने आप में अनूठे पुरुष थे। आपसे भी निवेदन करता हूं, आप भी अपने आप में अनूठे हैं, और अनूठे इसलिए हैं कि आपके अंगूठे किसी दूसरे के अंगूठे से मिला नहीं करते हैं। ध्यान रखना, इतनी अद्भुत कृति बना करके परमात्मा ने भेजा है, फिर भी आदमी दुखी हो जाया करता। अरे तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। ध्यान रखिए, दूसरों को देख करके मत जियो। एक बात याद रखो, पड़ोसी की बिल्डिंग देख करके जियोगे ना, ऊंची ऊंची इमारत देख करके, ऊंचा सिर करके जियोगे, सिर की टोपी गिर जाएगी, गर्दन में लचक आ जाएगी। ध्यान रखना है, ए इंसान, जो तुझे मिला है उसमें जीना सीख ले, तेरे जीवन का आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। समस्याएं हम दूसरों को देख करके पैदा करते हैं। फलाने का पति जाता है, तुम नहीं जाते हो। उसके यहां इतनी महंगी कार। महिलाओं की समस्या क्या है? मेरी साड़ी उसकी साड़ी से ज्यादा सफेद, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे? बोले, सुपर रिंग का कमाल है। मानवर जिंदगी बेहाल है, हर आदमी के जीवन में यही चलता है। सागर का ये छोर सोचता है कि वो वाला किनारा सुखी होगा, और वो किनारा सोचता है कि ये किनारा सुखी होगा। मानवर, हमें पड़ोसी ज्यादा सुखी नजर आता है, हमें दूसरे ज्यादा सुखी नजर आते हैं। एक महिला ने अपने पति से कहा कि बाजू वाले का मालूम है, वो रामलाल का बाप कितना अच्छा है, तुम एक मिले हमको निखट्टू निठल्ले आदमी, वो कितना अच्छा है। पति ने कहा, ऐसा कर, ज्यादा अच्छा है तो वहीं चली जा, मुझे छोड़ दे। ध्यान रखना है, आदमी को दूसरे की थाली में हमेशा ज्यादा दिखता है, अपनी थाली का नहीं दिखा करता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता है। कभी बनने की कोशिश मत करो। मैं कोशिश करूं कि आचार्य शांति सागर बन जाऊं, मेरी जिंदगी आज ही दुखी हो जाएगी, और शांति सागर सोचते मैं पुलक सागर बन जाऊं, उनका जीवन आज ही दुखी हो जाता। मैं नहीं सोचता हूं कि मैं आचार्य विद्या सागर बन जाऊं, वो भी नहीं सोचते होंगे, वो तो सोचते ही नहीं होंगे। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर, अरे जिसमें हो उसमें राजी हो जाओ, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह है। जो मिला है उसमें खुश रहो। छोटा मकान है तो क्या हुआ है, चिड़िया भी तो घोंसले में खुश रहा करती है ना। ध्यान रखिए,
2 BHK 3 BHK पड़ोसी का इतना, उसका वैसा, उसका वैसा। आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पड़ोसी का सुख है मेरे भाई। अपने में जियो ना, अपने आनंद में जियो। प्रभु ने सब कुछ तो दिया है तुम्हें, कहां है समस्याएं? दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना लेते हो। तुम्हारे पास 2-4 समस्या होंगी, दूसरों की ओर लाद ली अपने ऊपर, वो ऐसा वो वैसा वो वैसा। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, समस्याएं अपनी हो तो उनका हल निकल सकता है, लेकिन जब दूसरों की समस्या को अपनी बना लो तो उसका कोई समाधान नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, क्या समस्या है, क्या बनना चाहते हो तुम? एक आदमी से मैंने पूछा, तू क्या करना चाहता है? बोले बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। इनका फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा, पैसे ही पैसा, पैसे वाला हो जाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले बड़े बड़े मकान होंगे औरंगाबाद में। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले सारा समाज मेरे अंडर में। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले बीवी आएगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर वही होगा जो होता है। तो मैंने कहा उसके बाद क्या होगा? बोले बच्चा पढ़ लिख करके सारी सुख सुविधाएं दूंगा, उसकी शादी कर दूंगा, उसके बच्चे। मैंने कहा फिर क्या होगा? पूरी दुनिया ब्रह्मांड को भी जीत लेगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? और आपसे पूछ रहा हूं, आपको सब कुछ मिल जाए फिर क्या होगा? मालूम उस आदमी ने क्या कहा? शायद तुम भी यही कहोगे, जब सब कुछ हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, सब कुछ हो जाए, धन मिल जाए, फिर क्या होगा? मकान, मकान मिल गया, फिर बीवी, बीवी मिल गई, फिर टीवी, टीवी मिल गई, फिर बच्चे, बच्चे बहू, सब कुछ मिलता है, फिर क्या होगा? लास्ट में पूरी दुनिया का साम्राज्य मिल जाए फिर क्या करोगे तुम? बोले फिर कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर आराम से रहेंगे। अरे मैंने कहा पागल, आराम से रहना है वो कुछ नहीं होगा, उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? आराम से रहना तो आ मेरे पास आ, बिना सब कुछ पाए जिंदगी का आराम प्राप्त हो जाएगा।